ये वारिया हालात खराब सहलाब सत ग गोडन चा तुम्बल कह इंतजाम ना कह गमेंट योर वातान ना वो कि आज गए तकरीबन बह दह आबस मज ना कह प्रसान ना कह प्रसन्नस वारिया बेमार तकरीबन ये वस मज वन क्या बदबो जो हाल ही में सितंबर 2014 में तबाहकुन सहलाब कश्मीर में आया उसने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया। इसी के साथ साथ ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है ये भी अपनी लपेट में लिया और ये जो परहसपोरा का इलाका है परहसपोरा के जो नीचे के इलाके हैं तकरीबन 20 गांव हैं ये सब सहलाब से मुतासर हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ के यहाँ परहसपोरा में जमा हो गए। वारिया सख्ती चीज नमोल नील की जान तो बची मगर अब वो तरह तरह के परेशानियों के शिकार यहाँ पर हैं। उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं, टेंट नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, कपड़े नहीं हैं, बीमार जो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको दवाई नहीं मिल रही है और यहाँ कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया और लोग मुसीबत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज तक जो ये लोग यहाँ बैठे हैं करीबन 20 गांवों के 1500 लोग हैं, इनके खाने पीने का जो बंदोबस्त कर रहे थे वो यहाँ के लोकल एक्टिविस्ट रजाकार कर रहे थे मगर अब उनके पास भी स्टॉक न होने की वजह से वो भी परेशान हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर लोग हैं उनको इन परेशानियों से नजात मिले, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए इनकी मदद करें, इनकी बाज़ाबाद करें और जो भी ये यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो डिप्टी कमिश्नर बारामूला पे दबाव बनाए रखें, उनको कॉल करें, उनका फ़ोन उनका नंबर है डॉक्टर फारूक अहमद लोन जिनका नंबर है 9419008004। मैं मीर यासीन परहसपोरा से इंडिया अनहर्ड के लिए।